नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल हमने स्पाइसेस के अंदर एक अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा, एक्सपेक्टेड आज भी स्पाइसेस में ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। आज के लिए जीरा सपोर्ट 12,900, रेजिस्टेंस 13,400, टर्मरिक सपोर्ट 7,190, रेजिस्टेंस 7,450, कोरिएंडर सपोर्ट 6,600, रेजिस्टेंस 6,860। वहीं एडिबल ऑयल्स के अंदर भी हमने कल रिकवरी देखी, आज भी एक्सपेक्टेड है एडिबल ऑयल्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है। सोयाबीन सपोर्ट 7,400, रेजिस्टेंस 7,670, रिफाइंड सोया सपोर्ट 1,310, रेजिस्टेंस 1,350, आरएम सीड सपोर्ट 7,000, रेजिस्टेंस 7,250, क्रूड पाम ऑयल सपोर्ट 1,043, रेजिस्टेंस 1,075। वहीं अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो वहां पर भी ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिला, एक्सपेक्टेड है कॉटन कपास और खल में ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। कॉटन में सपोर्ट 24,750, रेजिस्टेंस 25,550, कपास सपोर्ट 1,240, रेजिस्टेंस 1,360, कॉटन सीड ऑयल के एक सपोर्ट 2,800, रेजिस्टेंस 2,980। कल ग्वार सीड ग्वारगम के अंदर भी हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है, एक्सपेक्टेड है ये रिकवरी आज भी देखने को मिल सकती है। ग्वारगम में सपोर्ट 6,220, रेजिस्टेंस 6,440, ग्वार सीड सपोर्ट 3,980, रेजिस्टेंस 4,200। अगर हम चने की बात करें या पल्सिस की बात करें तो वहाँ पर अगेन हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा है, एक्सपेक्टेड है यहाँ पर भी लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। चना के अंदर सपोर्ट 4,710, रेजिस्टेंस 4,930। कैस्टर के अंदर हमने ट्रेंड अगेन पॉजिटिव आते हुए देखा है, एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट डिमांड से कैस्टर को सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। कैस्टर में ट्रेंड पॉजिटिव है, सपोर्ट 5,270, रेजिस्टेंस 5,550। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।